दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ब्रिक्स मीटिंग से निकलकर सामने आ रही है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस खबर के सामने आते ही पश्चिमी देशों में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि यह अमेरिका के प्रभुत्व को अब तक का सबसे बड़ी चुनौती है। और यहां पर अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के कई देश अब एक साथ आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही इस फैसले का असर पूरी दुनिया पर और साथ ही भारत पर क्या होगा, ये भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, मीडिया में निकलकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि ब्रिक्स इकोनॉमिक ब्लॉक का विस्तार आखिरकार किया जा चुका है और सभी सदस्य देशों की तरफ से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। दोस्तों, ये फैसला बिल्कुल आखिरी वक्त पर लिया गया, जब साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस मीटिंग की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग जारी थी। अभी तक हमारे सामने जो भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, उसमें ये नैरेटिव बताया जा रहा था कि भारत ब्रिक्स के विस्तार को समर्थन नहीं देता और हम इसे बस रीजनल डेवलपमेंट के लिए विकसित करना चाहते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि इस मीटिंग के आखिरी पलों में सभी देशों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और इजिप्ट ब्रिक्स इकोनॉमिक ब्लॉक के बिल्कुल नए सदस्य होंगे, जिनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी। मतलब अब सिर्फ कुछ ही महीनों में ब्रिक्स इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी ज्यादा वजन के साथ देखा जा सकेगा, जिसकी वजह से G7 देश अब अपनी भूमिका को लेकर चिंता करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अमेरिका और सभी यूरोपियन देश यही चाहते थे कि ब्रिक्स का विस्तार न हो, क्योंकि ये संगठन पहले ही दुनिया भर में परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में 35% अर्थव्यवस्था और 41.13% से ज्यादा आबादी अपने पास रखता है। ऐसे में अगर इसमें और भी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल होते हैं, तो इसमें पश्चिमी देशों के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म ब्लॉक को बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा संगठन खड़ा होगा जिसे वे आने वाले दशकों में बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत तो इस संगठन के विस्तार के खिलाफ था, तो फिर क्या हुआ कि हमने इसकी इजाजत दे दी। तो चलिए एक एक करके उन देशों के बारे में समझते हैं जो ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करने वाले हैं, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि क्यों ये विस्तार भारत और चीन दोनों के लिए ही फायदे का सौदा रहा। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब, यूएई और ईरान के बारे में। अगर ओवरऑल तरीके से समझे तो इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। यूएई और सऊदी अरब के साथ तो हमने लोकल करेंसी को लेकर भी काफी मजबूत सिस्टम विकसित कर लिया है और इनके साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं ईरान एक ऐसा देश है जो रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का घर है, जैसे चाबहार बंदरगाह और INSTC। साथ ही इन सभी देशों के संबंध चीन के साथ भी काफी अच्छे हैं, इसीलिए यूएई, सऊदी अरब और ईरान का ब्रिक्स इकोनॉमिक ब्लॉक में शामिल होना भारत और चीन दोनों के लिए फायदे का सौदा है। वहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री कुछ समय पहले ही इजिप्ट के दौरे पर गए थे, तो ये बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों देशों के संबंध आज कितने मजबूत हो चुके हैं। साथ ही अर्जेंटीना तो भारत के साथ तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की डील तक करने को तैयार है, जिसकी टोटल वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी। ऐसे में अर्जेंटीना का भी ब्रिक्स में शामिल होना भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। वहीं पर अगर इथोपिया की बात करें तो यहां पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर मौजूद होने की वजह से इसे विस्तार का हिस्सा बनाया गया, वरना अगर हम अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो नाइजीरिया इस विस्तार का हिस्सा बनने के ज्यादा योग्य था। पर इथोपिया भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है, जहां पर भारत अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है ताकि इस देश में भारत का कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाया जा सके। ऐसे में अगर कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो हम ये बात काफी कॉन्फिडेंट होकर कह सकते हैं कि इस बार ब्रिक्स इकोनॉमिक ब्लॉक के विस्तार में जितने भी देश शामिल है, उनमें से एक भी देश चीन की कठपुतली नहीं बनेगा, जिससे इस संगठन में बहुपक्षीयवाद को सुरक्षित रखा जा सकेगा। यही वजह है कि भारत भी इस विस्तार को लेकर पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि आखिर हम ज्यादा लंबे समय तक अपनी आर्थिक आजादी को लेकर अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। इन देशों ने रूस पर जिस तरह के एक्शन लिए और अमेरिकी डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, वह देखकर भारत भी काफी हैरान है। इसी वजह से अब जरूरत तो यही है कि हम ब्रिक्स को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर विकसित करें, जो पश्चिमी देशों के प्रभाव को टक्कर दे सके, ताकि हमारे रीजन में विकास और स्वतंत्रता जारी रहे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ब्रिक्स एक्सपेंशन एक हकीकत बन चुका है और अब इस बात में पश्चिमी देश इनकार नहीं कर सकते कि संगठन की ताकत G7 को टक्कर देने लायक हो चुकी है। साथ ही जिस रफ्तार से ये फैसला लिया गया, उसे देखते हुए ये कहना भी मुश्किल नहीं है कि आने वाले कुछ दशकों में एक ब्रिक्स करेंसी की भी संभावना नजर आ रही है। जो सामने आया तो अमेरिकी डॉलर का प्रभाव हमेशा के लिए
लिए खत्म हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जो ये एक्सपेंशन हुआ है उसमें चीन और भारत में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।